बोलो गुड मॉर्निंग। ओहो गुड मॉर्निंग भाई जी। बोलो उन्होंने जब टेम्परेचर चेक किया ना तो मेरा 100 आया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी सुबह। आज है मेरा बोर्ड का फर्स्ट पेपर वो भी इंग्लिश का और R27 डेट और संयम जी ऊपर आराम से सोए हुए क्योंकि उनको छुट्टी है क्योंकि 10th वालों के बोर्ड के पेपर है तो 6th वालों को छुट्टी है तो उसको भी छुट्टी है ऊपर तो ऊपर वो आराम से ऐसे सोया हुआ और मैं इतनी पैनिक में हूँ ना कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है बट नहीं हम जितना आराम से पेपर करेंगे ना उतना अच्छा होगा। सुंदर सुंदर आइटम कर रहा है ये ना सुंदर सुंदर में पेपर ही छूट जाएगा आराम आराम से हमने नहीं आपने हाँ जी पापा बात करे हाँ जी नहीं पापा दूध पी रही हूँ मैं ना बहुत टेंशन में हूँ लेकिन आराम से क्योंकि पैनिक होकर पेपर नहीं हो सकता मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने को काम करने की बट स्टिल नर्वसनेस है मन में बहुत ज्यादा। ये निखार का आई कार्ड की फोटो नहीं अच्छी आई है अच्छी आई है अच्छी आई है अच्छी आई है अच्छी लग रही है। हो गया फिनिश लिप्स पे लग गया सारा दूध। निखार अभी से तुमने मास्क लगा दिया मुंह पे अभी दो साल। अच्छा एक मिनट ये ना दही और चीनी है ये खा पहले मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, पेपर के लिए कुछ भी दूध भी है आज तो मैं इसको बोलूंगी ना ये भी खा ले इसने वो भी खा लेना जो भी गंदा मंदा बोलूंगी बस मम्मा बाय चल बाय बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करना। हाँ विश मी बेस्ट ऑफ लक इन कमेंट बॉक्स बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करना आराम से काम हो गया कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ नहीं बड़े आराम से जैसे स्कूल में पेपर करती है ना कुछ खास बात नहीं है बड़े आराम से पेपर करना। बाय बाय। अभी तो मास्क उतार लिया अभी क्या डाल दिया स्कूल जाके डाली ना। बाय बेस्ट ऑफ लक। मैं कर देती हूँ। इसने वहाँ से अपनी फ्रेंड को लेना रास्ते में से तो बोल रही है उसको फ़ोन कर देना वो बाहर आ जाए। चलो जी खार तो गई। गुड मॉर्निंग गाइस मैं तो अभी उठ चुका हूँ भूत दिन तो स्कूल गई मैं तो इसका वो भी नहीं बोल पाया यार ऑल द बेस्ट भी नहीं बोल पाया पर मैं यार बोल रहा देरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल पेपर। जब मैं जाती हूँ तो मेरे को मैंने क्या फील होता कि मैं ना एक राजा हूँ इसका राजा इस घर का और जुड़ेल जी फिर से आ रही है। वो बोलता देखी कैसे है थप्पड़ पड़ेगा मुंह में। चल दूध पी अपना दूध पी और फिर नहाने जाओ। अभी उठ गया कोई उठ गए कोई उठ गया और चल हेलो गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो राधे 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 सया दीदी मम्मा इधर जुड़े बदतमीज बच्चा सया दूध रहने दे छोड़ दे छोड़ दे ना सही है उस पे ना कुछ कर ये क्या लिख के गई है इसने ये ना दिखाई मेरा भाई बंदा बंदा तो देख कितना सुंदर लग रहा है इसको बोलो वहां पाएगा इसको मारूंगा दया चल दूध पी के तो जल्दी नहा लो। हाँ ठीक है अब पी लो मैं अभी पीना ठट दीदी ना बंद
तो गाइस अब मैं आगे घर और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और मजा आ गया पेपर करके। आई थिंक फुल भी आ सकते हैं पर देखो कोई अगर मिस्टेक ना निकले तो फुल आए, अगर कोई मिस्टेक निकल आई तो देखो भगवान भरोसे। पेपर मैं दे आई हूँ आगे, जो मार्क्स वर्क्स होंगे उसकी मेरे को टेंशन बहुत है, तो उसकी टेंशन भगवान भरोसे जो होगा देखी जाएगी। फिलहाल हम नहाते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो चलो। नहीं ये ना टेंशन में है, एक्चुअली क्या हुआ टाइम कम था तो पेपर मतलब दे दिया और इसने दोबारा चेक नहीं किया, ये चेक नहीं किया पेपर, तो अब इसको डर लगा हुआ है कि कोई गलती ना हो, तो ये आगे आधे घंटे से ना यहाँ पे बेड पे लेटी हुई है, बस यही सोच रही मम्मा पेपर ही चेक नहीं किया कोई गलती तो नहीं आएगी। अब जो हो गया देखी जाएगी, नेक्स्ट बार पेपर थोड़ी स्पीड से करा करके टाइम बच जाए कुछ करने को भी, रीचेक करने को। नहीं रीचेक सही था यार, पेपर में समझ नहीं आ रहा पेपर कैसा हुआ, पर अच्छा हुआ था यार, अच्छा पेपर अच्छा हुआ। अब तो नंबर आएगा पता लगेगा कितना अच्छा है। कितने परसेंटेज ला हूं? 85 अबव? 85 नहीं 95 अबव। 9 की लाइन में तो बनती है, नहीं भी आएगी तो फिर 8 वाली चलेगी। देखते हैं क्या होता है आगे, पर 7 की लाइन में ना नहीं 7 की लाइन नहीं आएगी मुझे इतना पता है। सेंटर आराम से ढूंढ गया था, मुझे बस यही था, मैंने सुबह टीचर को फोन किया था तेरी, मैंने कहा निखार पहुंच गई है, कहती मैं अभी देख के बताती हूँ। हाँ फिर कॉल आई थी, कहती हाँ पहुंच गई है। तो गाइस सुबह क्या हुआ, नर्वसनेस के कारण ना मतलब उन्होंने जब टेम्परेचर चेक किया ना तो मेरा 100 आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी सुबह, तो ना कहता को 100 टेम्परेचर था ना साइड पे हो जो, तो मैं क्या है अभी क्या पंगा पड़ गया। फिर ना मैं क्लास चलाए वो बोलते नहीं नहीं वो नर्वसनेस के कारण ना मतलब थोड़ा वो हो जाता है स्ट्रेस वगैरह, तो इसलिए ना वो थोड़ी वो फीवर आया होगा, इसको ना साइड दो में खड़ा करो। मेरे को साइड पे खड़ा किया, फिर टेम्परेचर चेक किया, फिर मेरा आया 98। मैं क्या शुक्र है, फिर मैं गई अंदर दिया पेपर, आई घर घड़ा का टेंशन किस चीज की होनी मेरे को पता। चल उठ जाके नहाने जा, जा तेरी टेंशन में उतरे, पानी डाल सिर पे अपने, चल जा उठ चल जा। चलो तो गाइस आई हम गए पठोरे लेने और मैं जा रही हूँ नहाने, तो गाइस वो तो आगे पठोरे लेकर और मैं अभी नहाने नहीं गई, तो भाई मैं नहाती हूँ एंड देन आप लोगों से आपको पता चल ये ना आज हम फेल हुई थे पेपर में अपने, अब मैं अगर ना आने को टेंशन नहीं दे ना पर सीना आया हुआ है अभी, बहुत गर्मी इतनी ज्यादा है ना गर्मी बाहर, आप उस खाना दो। चलो हैंड वॉश करके आओ, माउथ वॉश करो पहले, नहीं मैंने ऐसे नहीं देना, माउथ वॉश कर और सबसे अच्छी बात निखार ना वो संयम के साथ अपने पेपर को करिए डिस्कस, संयम के साथ क्या पता लगा संयम और तुझे वो उसका याद भूल गया जो दीदी तेरे लिए लिख के गई थी, इधर देखिए ये क्या लिख के गई तू, ये क्या लिख के गया तू बोल, ये मतलब मैं बताती हूँ ना कल इसने वीडियो बनानी थी इसने उसके लिए लिखा था तेरे लिए, वीडियो तो बनानी नहीं आती है मैं आप ही इसके साइड लेते हो मैं नहीं बनाऊंगी, तू मेरा कोई मंकी है, तू तो मेरा टैडी है, तू मेरा टैडी है यार, इधर देख वो शेर, तेरी कोई टेल है, तेरी टेल है नहीं है ना फिर तू कैसे हो सकता है। तो गाइस अब खाना खाने के बाद मैं और संयम चले गए थे ऊपर टेरेस पे रील्स बनाने के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के कारण हमारी रील्स खत्म हुई थी स्पेशली मेरी, तो संयम तो अभी वेली पीट पर मैं सारा अभी ऊपर चल पड़ा कि मम्मा मेरे भी बनाओ मेरी भी रील्स बनाओ, तो हमने हम दोनों की बना दी यार, लेकिन ऊपर उसने मेरे को बड़ा ही तंग किया पता, मैं ना कुछ क्लिप्स लगाऊंगी ऊपर के है ना साइड और कुछ क्लिप्स लगाऊंगी तो आप वैसे देखना, क्योंकि सर ने कितना तंग किया। और गाइस अगर आपको हमारी रील्स देखने तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हमारे अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, और अगर कर रखा है तो बताओ आपको सबसे ज्यादा किसकी रील्स पसंद है, मेरी के संयम जी की, संयम जी करेंगे वाह वाह ये तो मेरे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी रील अच्छी है, पर नहीं गाइस आप मेरा भी नेम लिखना या दोनों का, आप टू बी ऑनेस्ट होके लिखना कमेंट बॉक्स में किसकी रील्स पसंद आई, किसकी रील्स पसंद आती है, और इनकेस नहीं किया फॉलो फॉलो कर लो।
और गाइस चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। पीएम जी आ गए अपनी चीजें लेकर, खेल खोल के खेल आया हरगुन के साथ। हाँ दीदी मैं देख क्या क्या पसीना देख नहीं आया। आया आया है। मैं आपके लाया हूँ ये लो कॉफी। सयम दे यार चिंगम की मैं बहुत भूखी हूँ। अम्मा खाना दे रहा बहुत भूख लगी है यार। अब मैं खाने बनाने लगी। खाना खाओ खाना खाओ। और मेरे को तो कल ऑफ है क्योंकि मेरा अब हफ्ते बाद है मैथ्स पेपर और सयम जी को कल स्कूल जाना पड़ेगा तो उसको जल्दी सोना पड़ेगा। और मैं ना 1 वीक कल से स्टार्ट कर रही हूं। मुझको जाना पड़ेगा मुझको जाना पड़ेगा। चलो गाइस चुप कर। तो गाइस अब सयम जी आ गए ऊपर वाले रूम में क्योंकि वैसे भी खाना मैंने भी खा लिया और सयम ने भी खा लिया तो मम्मा इतने जाए इसको सुला के नहीं तो ये ऊपर अकेला डरेगा रूम में। क्यों बेटा और ये आज खुद बिछा रहे अपना सोफा कम बेड। देख ले यार कर दे देख ले मेरा भाई नहीं सही मैंने पेपर ही कही मैं थक गई पेपर दे दे के। चादर भी मैं ही चाबू से इसका काम होता है सोफा कम बेड को खोल के बिछाना। चादर नहीं बिछानी है। यू गोट मैड माय पागल सिस्टर। यू गो टू मैड यू गो टू मैड गो टू नहीं गोट का है देखो मैड चादर में निशानी भी आनी थी लेकिन ठहरो 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 सही तो बिछा रही हूँ ठहरो 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 नहीं नहीं ये क्या है भाई ये क्या है भाई ये चादर है भाई चादर है चादर। दीदी मेरी तो प्यारी बहन है तेरे को पता है बात मत कर यार ओके तो मैं नीचे जाऊँ जा फिर जब जाऊँ नीचे जा चल जा मेरे अकेले जा तेरे को डर लगेगा ठहर जा। उनको बेचारी बहन इतनी बोली होते भाई जितनी बहने बोली होती ना उतने भाई तेज होते है। तो बस गए तब यहाँ पे करते है मैं अपना छोटा सा व्लॉग। तो अगर हमारे पास पसंद है प्लीज़ मेरे व्लॉग को एक लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।